सो हेलो गाइस, इट्स मी राहुल सिंह बिस्ट और आपका स्वागत है इंस्पायर टीवी में। तो आज हम एक इन्फ्लुएंसर हैं जो बहुत ही फेमस है इंस्टाग्राम में, तो उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं। चलो उनसे जानते हैं उनका नाम और वो क्या किस चीज़ की है। सो हाय गाइस, आई एम श्वेता एंड माय इंस्टा हैंडल इज फूड स्टोरी सिलीगुड़ी। तो मैं एक बहुत बड़ी फूडी हूँ, तो माय ब्लॉग इज ऑल अबाउट फूड, तो बाकी तो पता ही चल जाएगा आपको। एक सवाल पूछता हूँ आपसे, हाँ मैं, ये कि एक होता है ना कि क्या बोलते हैं ना उसको, आप इस फील्ड में, फूड वाली फील्ड में किस तरह से घुसे, मतलब किस तरह से आए? हाँ, तो मैंने जैसे बोला कि आई एम अ बिग फूडी एंड आई यूज टू क्लिक पिक्चर्स ऑफ एवरीथिंग व्हाट आई एट एंड स्टोर इट इनटू माय गैलरी। तो मेरे सब फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया कि यू कैन स्टार्ट योर ओन ब्लॉग। तो उसके बाद आई स्टार्टेड फॉलोइंग अदर ब्लॉगर्स ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। देन ऑन 30 नवंबर 2018 आई क्रिएटेड फूड स्टोरी सिलीगुड़ी जस्ट टू शोकेस माई लव फॉर फूड एंड फोटोग्राफी। देन अभी ये चल रहा है एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट आई एम गेटिंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स। बताओ इनको डेट तक याद है कब स्टार्ट किया? मैं बहुत प्यार करती हूँ। वो मैं, ये आदत होती है, पता है, ये बोलना ही चाहूंगा, बट खासकर लड़कियों की आदत होती है कि जो भी हो लेकिन पहले फोटो खींच ले फिर स्टार्ट करते हैं। हम जैसे लड़के क्या करेंगे, आओ मिला जैसे खा लो पहले, वही चीज़ तो होता है ना कि क्या बोलते ना। अब जैसे कि मेरे घर वाले, मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, तो कभी मेरी परेशान होती है कि आज तू इतना क्यों खाता है, अगले मोटा हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, वो जा रहा है। जैसे कभी आपने भी इस चीज़ सुना अपने घर वालों से कि? हाँ, मैं बहुत सुनती हूँ बट नहीं होती हूँ मैं मोटा, पता नहीं कि मुझे सब बोलते हैं कि तुम इतनी खाती हो फिर भी क्यों मोटी नहीं होते। आई डोंट नो, मैं इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं लेती हूँ बट ठीक है। ये बात मेरी मम्मी तक पहुँचा, खाने से आंटी मोटा नहीं होता। हाँ, नहीं होता आंटी, वही तो आंटी बोला है इन्हें, सुन लेना। हाँ, आंटी मोटा नहीं होता। हाँ, बट तो, हाँ, रोज मत ये मत सुनना। आप कहीं जाते हो, ठीक है, आप मान लो आप फूड, आपको जाना कि आज आपको, आपने सोच लिया कि आप वीडियो बनानी है, आपको आप कहीं गए, कोई भी एरिया होगा, कोई भी रेस्टोरेंट होगा, कोई भी ढाबा होगा, चले गए वहाँ जाके आपने फूड ऑर्डर किया। अब वो शौक नहीं होते आप एक साथ सारा फूड मंगा लेते हो या फिर एक एक करके फूड मंगाते हो? मैं साथ पे ही लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है ना कि मुझे पहले कॉन्टेंट चाहिए, तो इसलिए मैं पहले सब ऑर्डर कर लेती हूँ फिर शूट, उसके बाद खा लो। बट हाँ, मैं मेंटेन करती हूँ, लाइक फ्रेंड्स के साथ अगर जाऊंगी तो फैमिली के टाइम देना है तो तब मैं अलग से उसके टाइम, मतलब नो शूट। जैसे कि मैंने आपका वो पेज देखा था इंस्टाग्राम का, तो मतलब उसमें एक वीडियो थी शायद आप कोई गर्ल पार्टी वाला कि फ्रेंडशिप की, गर्ल फ्रेंडशिप कैसी होती है, उसमें सब ऐसे खड़े हुए हैं, फोटो खींचे हैं, तो वो आप क्या बना कि आज ये वाली वीडियो बनानी, क्या आइडिया था उसमें, उस पर क्या सोचा था? एक्चुअली वो रियल है, हम लोग ग्रुप पे यही होता है कि मतलब एक को शॉट लेना है और एक को तो बीएफ प्रॉब्लम होता ही है। ये होता है, मैं अभी ये खा रही हूँ, मैं अभी ये कर रही हूँ, ये तो चलता ही है। हाँ भाई, सबका अलग अलग, वो जो था रियल था हम लोगों का वीडियो। तो मतलब आपको क्या लगता है कि आपका सबसे फेवरेट फूड कोई भी स्टाइल का है, फिर कोई भी चीज़? सिलीगुड़ी पे आई फील 90% का मोमो ही पसंद है, मेरा भी फेवरेट मोमो ही है। मैं वीक पे 5 to 6 days तो मोमो पे डिनर पे खाती हूँ। क्या वीक में 5 to 6 days? डिनर पे मैं मोमो खाती हूँ। यस, डिनर रोटी सब्जी दिन में, लंच वाह, डिनर मेरे बाहर ही होता है या तो ऑर्डर कर लेती हूँ। मतलब आप फैमिली के साथ नहीं रहते हो, मतलब अकेले रहते हो? नहीं, फैमिली के साथ ही रहती हूँ लेकिन मम्मी को यूज्ड टू हो गई, खा लो तुम, पता है तुम डिनर नहीं करोगे, मेरे लिए बनाती भी नहीं है इसलिए। ये सही है ना कि मतलब डिनर में मोमो खाओ 5 to 6 days और दिन में आप रोटी सब्जी खाओ, चाहे खुद बनाओ चाहे बाहर से लेके आओ। हाँ, चलेगा। तो मोमो मतलब आपको सबसे फेवरेट मोमो है? हाँ। तो कौन सा मोमो? पनीर चिकन मोमो। आई हेट वेज, आई हेट वेज। तो वेज से एकदम अपने वो करना है, खाना ही नहीं है। हाँ, मैं खाती हूँ बट फेवरेट नॉन वेज। सही है। तो जैसे मेरा फेवरेट है छोले भटूरे, मतलब आई लव छोले भटूरे। छोले भटूरे का एक स्टोरी बोलो? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, क्यों नहीं। आई एम अ बिग फैन ऑफ विराट कोहली, ठीक है। हाँ, मैंने देखा आपका वो पोस्ट देखा। तो उनका भी फेवरेट छोले भटूरे, तो मैंने ट्राई किया था कि मुझे भी यही खाना है अब से कि उनका फेवरेट है, तो मैंने किया बट फेवरेट नहीं बना बट आई लव छोले भटूरे। छोले भटूरे, छोले भटूरे, छोले जो होते हैं ना, आई जो मजा आता है खाने में उसको। दो फूडी लोग मिलेंगे तो मतलब बातें तो आगे तक जाने वाली है। तो कुछ बताना बोलना चाहोगे मैं दर्शकों को कुछ फूड के बारे में? फूड के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि
मैं ये बिलीव नहीं करती कि हेल्दी फूड खाने से ही सब ठीक रहता है, कि हाँ खाओ, बाहर का खाना खाओ, स्ट्रीट फूड खाओ, एक बार ही हम जीते हैं तो सब मन भर के खाओ, कि ऐसा नहीं कि हाँ कैसे रहूँगी, कितना दिन बचूंगी, नहीं खाऊंगी हेल्दी, ऐसा मत है, सब खाना खाओ, हाँ मेंटेन करो हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड में। यस भाई, तो दुनिया की जितनी भी मम्मियाँ हैं सब सुन लो, सिर्फ हेल्दी फूड खाने से ही इंसान हेल्दी नहीं रहता है, अदर फूड भी ट्राई करना चाहिए, चाहिए वो भी चाहिए। तो फिर आज के लिए इतना ही, जिंदगी में मसाला चाहिए। हाँ, मसाला जरूरी है, मसाला चाहिए, बिना मसाले के नहीं होता, मजा नहीं आता। तो आज के लिए हम ये इंटरव्यू खत्म करते हैं, और इन्होंने मुझे कहा है ये मेरे साथ वीडियो बनाएगी, तो तब तक के लिए आपका दोस्त और होस्ट राहुल सिंह बिस्ट विदा लेता है, मिस श्वेता विश्वास भी आपसे विदा लेती है।